गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। समय हो रहा है 6:15 बज रहे हैं। यहाँ पे सूर्यनारायण भगवान निकल चुके हैं। आज तारीख है 23, दिन है आज बृहस्पतिवार। तो रात को मैंने बृहस्पतिवार की वजह से ही रात को ही कपड़े धो के डाल दिए थे, और रात को इतनी तेज़ मतलब चल रही थी हवा कि सारे कपड़े नीचे ज़मीन पर आके गिर गए हैं। और जो हमारा मशीन का ड्रायर है ना, सुखाने वाला, वो सुखा नहीं रहा था कपड़ा, तो मैंने इसलिए रात को धो के डाल दिए थे। क्योंकि रात में यहाँ पे हमारे देवर हैं, वो सोते हैं छत पे, तो बंदर नहीं फाड़ के जाएंगे इस डर की वजह से। तो मैंने रात में ही सारे कपड़े धो के सुखाए हुए थे, मशीन से धोए थे हाथों से, फिर मैंने फलकार दिए थे। तो सुबह फिर मैंने उन्हें जल्दी से उठाने के लिए आ गई हूँ, ताकि बंदर आने ना पाएँ और इन्हें फाड़ ना पाएँ। अगर मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाऊँगी ना, 7 बज जाएंगे, तो बहुत सारे बंदर आ जाएंगे और कपड़ों को फाड़ जाएंगे। तो एक एक करके सारे कपड़े उठा रही हूँ, इधर उधर फैल गए हैं, क्योंकि हवा आंधी आंधी सी बहुत ज़्यादा चल रही थी। बैसाख का महीना है, आज है पूर्णमासी। बहुत अच्छा आज का दिन है, और पूर्णमासी होती है ना, उस पर पितरों के लिए भोजन भी बनाया जाता है। तो आज मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाऊँगी। अच्छी सी एक थाली बना के तैयार करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े उठा लेती हूँ अभी, बस मैंने ना इकट्ठा करके नीचे ले जा कर रख दूँगी, क्योंकि अभी ना घड़ी तो मैं बाद में, ऐसा होता है अभी सुबह का टाइम होता है ना, वो घर के और भी कामों के लिए होता है। ये ना मैंने बड़ी बेटी का बैग धोया था रात को ही अच्छी तरीके से, इसमें मैंने ना सर्फ साबुन लगा के धोया तो काफ़ी साफ हो गया था। और बस इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ सारे कपड़ों को बांध के। अभी थोड़ा सा टहलूँगी, क्योंकि सुबह का टहलना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बता दूँ, अभी मेरे 6 मंथ में बस 5 दिन ही रह गए हैं, कंप्लीट हो जाएगा, 7 मंथ लग जाएगा। आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, शायद आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं क्या क्या रूटीन करती हूँ अपने घर में सुबह के टाइम पर, वो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो सारे कपड़े मैंने उठा के इकट्ठा कर लिए हैं, इनको बस एक पोटली बना के बांध देती हूँ यहीं पर। सुबह के टाइम पे काफ़ी अच्छी हवा चलती है छत पे, सुबह का टहलना भी अच्छा रहता है। तो बस सारे कपड़े बांध के रख दिए, उसके बाद फिर मैंने टहलना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा सा टहल लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई जगह भी नहीं। बच्चों की छुट्टी चल हो गई है, छुट्टी चल रही है, अभी 1 महीने की छुट्टी पड़ गई है सभी बच्चों की पड़ गई हैं, क्योंकि गर्मी का तापमान ज़्यादा गर्म है, क्योंकि 47-40 डिग्री है और काफ़ी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जो महिला प्रेग्नेंट होंगी ना उन्हें पता ही होगा कितनी गर्मी लगती है। जब प्रेगनेंसी होती है ना, काफ़ी गर्मी लगती है ऐसे समय में। बाहर हम इसलिए टहलने नहीं जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर फिर हमें बाहर थोड़ी दूर जाना पड़ता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे फिर घर के काम भी होते हैं कई सारे। लेकिन अभी मैं 1 मंथ बाद जाया करूँगी, ऐसे 8वां मंथ लग जाएगा ना, उसके बाद जाया करूँगी। और सारे कपड़ों की पोटली मैंने अपने सिर पे बांध ली है, रख ली है, अब इसको नीचे लेके जाती हूँ। आप देख सकते हो अभी कोई जगह भी नहीं है मेरे घर में, तो बस इतने का सारे कपड़े रात को मैंने धो के डाले हुए थे। ये मुझे धोते थे 9 बज गए थे रात के समय पर, मैंने बृहस्पतिवार की वजह से ही रात को धो के डाली हुई थी, और दही जमाई हुई थी मैंने रात को। ये इसको ना देखती हूँ सुबह रायता बना लेंगे या खा लेंगे, मतलब कुछ भी बना लेंगे कड़ी। और इस डिब्बे में ना रात को मटर थी, थोड़ी सी मटर थी, तो मैंने इसी में पानी करके इसको ना ढक्कन लगा के गला के रख दिया था मटर को। बस यहाँ पर 2-3 आलू लेती हूँ, क्योंकि आलू की बनाऊँगी कचौड़ी और मटर की बनाऊँगी सब्ज़ी। ये सूखी वाली मटर है, सफ़ेद वाली होती है छोली वाली, वही वाली मटर है। तो बस कुकर में यहाँ पे मैं धुल के रख देती हूँ दोनों चीज़ों को। तो मटर भी काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गई है, तो बस मटर को भी यहाँ पे 2 बार धो के अच्छी तरीके से यहाँ पे कुकर में 2 या 3 सीटी लगा दो तो अच्छे से हो जाती है। तो बस सुबह के कामों में स्टार्ट कर दिया है मैंने करना, नीचे आ गई थी मैं, तो बस यहाँ पे कुकर में रख देती हूँ सारी मटर को बॉयल होने के लिए। तो अभी बच्चे तो थोड़ी लेट से जगते हैं, क्योंकि ये छुट्टियाँ चल रही हैं, और जब स्कूल होते हैं तब भी लेट से जगते हैं, वो तो जगाने पड़ते हैं हमको। तो बस थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ है मैंने, क्योंकि आलू और मटर है ना, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है यहाँ पर। आलू मटर ऐड करके, थोड़ा सा नमक ऐड करके यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ, और बस अब गैस को ऑन कर देती हूँ, अब चलाऊँगी।
अब बस अच्छे से ये बॉयल होते रहेंगे तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले घर को क्लीन करती हूँ, आज थोड़ी सी पूजा के भी करनी है क्योंकि पूर्णिमा है, आज पूजा करेंगे हम और उसके बाद कुछ खाना पीना खाएंगे। तो बस यहाँ पे किचन में से लेके आ गई थी मैं लगा के अच्छी तरीके से, ये हॉल रह गया था मंदिर के पास का, इसको भी अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। जब हमारे घर में पोछा लग जाता ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चे थोड़ा सा फिर गंदा कर देते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। हम पूरे दिन में कम से कम 3 बार झाड़ू लगाते हैं अपने घर में, सुबह दोपहर और खाना बनाने के बाद फिर शाम को। ज़्यादा भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी माता चली जाती हैं ऐसे बोलते हैं, तो बस 2 से 3 बार झाड़ू लगाना चाहिए घर में। 3 बार तो मिनिमम है कि हम 3 बार झाड़ू लगाते ही हैं। हमारा यही रूटीन है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी हम करते रहते हैं इतना काम, और अपना तो काम करना ही पड़ेगा स्वयं, किसी की जिम्मेदारी ना रहे तो अच्छा है। काफ़ी हमारे मतलब हमारी सेहत ही अच्छी रहे, हम करते रहे अपना काम तो ठीक रहता है। तो मैं किसी की हेल्प ज़्यादा अभी से लेना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं सारे काम खुद ही कर रही हूँ। थोड़ी सी अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो फिर मैं थोड़ा आराम आराम से बैठ कर करती हूँ। तो बस यहाँ पर नहा धो के आने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। सबसे पहले हम तिलक करेंगे ठाकुर जी को, फिर अपने करेंगे। ये समय हम अपने भगवान जी के टाइम पे देते हैं, क्योंकि 10 से 20 मिनट हम अपने भगवान जी के लिए भी निकालते हैं अपने जो इतने कामों के बीच में से। माला करते हैं, ये भी करना हमारे जीवन में एक अच्छी बात है, और जीवन में हमेशा पूजा पाठ करते रहना चाहिए। डेली ही हमें नियम करना चाहिए, जो भी हमारा नियम होता है ना उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो बस धूप बत्ती जला ली है, आरती कर देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ किचन में, खाना बनाऊँगी अभी सब्जी। मटर ना बॉयल हो गई थी अच्छी तरीके से, कढ़ाई में सरसों का तेल लिया, जीरा डाला, हींग डाली, उसके बाद तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। इतने ही खड़े मसाले ऐड करूँगी, फिर इसके बाद डाल देती हूँ टमाटर की प्योरी। टमाटर का पेस्ट बनाया होता है उसको डाला है, और इसमें ना प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि मैं भोग लगाने वाली हूँ ना, इसीलिए। तब मैं अगर भोग ऐसे घर में पूजा पाठ होती है ना तो तब मैं लहसुन प्याज का यूज नहीं करती हूँ। और लाइट की वजह से आप देख सकते हो कितना मतलब ऑयल में गिर रहा है, ऐसी रोशनी सी आ रही है। ये तो मुझे वीडियो में एडिटिंग कर रही थी ना मुझे तभी पता चला। तो देखिए मसाला अच्छे से यहाँ पर अच्छे से भुन जाएगा ना, उसके बाद डालूँगी मटर को। थोड़ी सी यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसका भी टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है सब्जी में। कस्तूरी मेथी को डालने के बाद मसाले ऐड कर देती हूँ, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, सारे मसाले यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सूखे ही मसाले डाल दिए हैं मैंने आज, क्योंकि जो टमाटर का पेस्ट था वो काफ़ी पतला ही हुआ था, तो बस यहाँ पर अच्छे से मिला दिया है मसालों को। और तब तक इसको पकाऊंगी जब तक इसमें से तेल थोड़ा सा निकलने ना लगे सब्जी में से। तो देखिए यहाँ पे मटर अच्छे से बॉयल हो गई थी, उसको डाल दिया है मटर को। ये वाली मटर के छोले ना काफ़ी अच्छे बनते हैं, टेस्टी भी बनते हैं। तो बस अच्छे से पकाने के बाद थोड़े से इसमें कर देते हैं पानी। अब पानी को डालने के बाद अब इसे ढक के रख देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। एक तरफ हमारी सब्जी बन रही है, दूसरी तरफ हम हलवा बना रहे हैं। कहते हैं मीठे में हलवा या खीर बनाया जाता है पूर्णमासी और मावस के दिन। मावस के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए, लेकिन पूर्णमासी के दिन आप हलवा भी बना सकते हो। तो मैं गाय के लिए भी प्रसाद निकाल दूंगी इसी में से ही मीठा। तो बस सूजी को भुना हुआ है, मैंने पहले घी डाल लिया था 1 चम्मच और सूजी डाल दी उसमें। थोड़ा सा ही बना रही हूँ इसीलिए मैं फ्राई पैन में ले लिया है मैंने बनाने के लिए, कढ़ाई नहीं ली है। तो लाइट भी चली गई थी तभी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, अब इसको पकने के लिए अच्छे से रख देती हूँ। और देखिए सब्जी बन गई थी, तो उसमें डाल देते मैंने धनिया की पत्ती, और देख सकते हो आप कितनी टेस्टी यहाँ पर सब्जी बनी थी, कलर कितना प्यारा आया हुआ सब्जी पर। तो सब्जी को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक तरफ हमारा हलवा भी बन गया है, 2 काम तो हमारे हो चुके हैं, अभी हमें कचौड़ियाँ और पूड़ी भी बनानी है। तो बस देखिए ये सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, खाना तो हमारा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद फिर हमने आटा लगाने की
तैयारी की है। हलवा को हमने हवा में रख लिया पंखे के में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसके हम जो कतली हूँ ना पीस बना देंगे। तो बस आटे में मैंने मिलाया था नमक, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, अच्छे से आटे को लगाएंगे। थोड़ा सा ऐसा हम कचौड़ी के लिए थोड़ा सा मुलायम आटा लगाएंगे, तो इसी में दो भागों में ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा पहले लगाएंगे ढीला आटा, थोड़ा सा लगाएंगे बाद में टाइट आटा, क्योंकि वो पूड़ियों के लिए, ये कचौड़ियों के लिए। तो बस यहाँ पे दोनों हाथ, तो एक हाथ से ही हम यहाँ पे लगा लेंगे, बाद में जब आटा बचेगा ना उसको दोनों हाथों से यहाँ पे मार लेते हैं। आटा भी हमारा तैयार हो चुका था, अब पूड़ियाँ तल रहे थे हम यहाँ पे। कभी कभी हमारे फोन से मुझे लगता है कि रोशनी नहीं आती है, तो बस उसी को ना टच कर रहे थे हम, बार बार देख रहे थे। तो यहाँ पे तल रहे हैं कचौड़ियाँ पूड़ी, उसका भी वीडियो हमने शूट किया था लेकिन हमसे डिलीट हो गया है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म खाना बन के तैयार है, हम लगाते हैं थाली। तो यहाँ पे देखिए, एक हमने टमाटर काट लिया है, यहाँ पे पूरी कचौड़ी, और यहाँ पे दही ली है हमने। दही में थोड़ा सा नमक, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। तो ये बन गया हमारा रायता, और छोले की सब्ज़ी रख ली है। जब हम थाली लगा रहे थे ना, हम सोच रहे थे पता नहीं क्या चीज़ हमारी मिस हो रही है यहाँ पे। थाली पूरी लगा दी थी तो हमें पता चला कि हम हलवा रखना भूल गए थे अपनी थाली में। तो देखिए पानी भी रख दिया था तो हमें अधूरी सी लग रही थी थाली, तो फिर हमने सोचा कुछ अधूरी है हमारी थाली, तो हलवा रख दिया था। ये पूरी हमारी थाली बनके तैयार है इस तरीके से। कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आ गए थे भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के मंदिर में, तो बस यहाँ पर हम भोग लगाते हैं। तो बस यहाँ पर भोग लगा देंगे, बच्चों को फिर खिला देंगे। तो आज का हमारा यही रूटीन है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सभी को बैसाखी पूर्णिमासी की हार्दिक शुभकामना। तो बस यहाँ पे चलो, सभी को भोग लगा दिया हमने, अब हम भी भोजन करेंगे, आप भी भोजन कर लीजिए गर्मा गर्म। तो बेटी छोटी वाली के कल हमने बाल कटवा दिए थे, बड़ी वाली के भी, तो कल दिखाएंगे हम। इस वीडियो को एंड करते हैं अब।